तो गाइस आज का दिन तो क्या बीत यार, पूरा का पूरा दिन बोर हो गया बिकॉज यार बाहर हो गए, रेनी सीजन था जिसके वजह से बारिश होती रही दिन भर। और हमारा जो है, हम तो ठहरे सेल्स वाले और हमारी सेल। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अर्नब का था आज पेपर तो मैंने उसे फटाफट ड्रॉप कर दिया और अभी मैं स्कूल के बाहर खड़ा हूँ और जस्ट बगल में ही जिम है और इसलिए मैं जिम के बाद बैठा इंतजार कर रहा हूँ कि हमारा फ्रेंड आ जाए जिससे कि हम जिम के अंदर एंट्री कर सकें। अर्नब का आज एग्ज़ाम अच्छा जाएगा क्योंकि आप लोग भी विशेष उसके साथ हैं, तो मेरे ख्याल से उसका पेपर ठीक जाना चाहिए। मैंने उसे ड्रॉप कर दिया था, काफ़ी एक्टिव था आज वो। फिलहाल हम लोग जिम से हो आए और अपनी फीस भी भर दी, आप देख सकते हो फीस की पर्ची है, ये आपको दिख रहा होगा, 3500 रुपीज़ जो कि हमने पे कर दिए हैं, दोनों ने मिलकर 7000 रुपये जिम में पे कर दिए हैं। और फिलहाल देखते हैं अभी कितने दिन जाते हैं, फिलहाल तो हमने 3 महीने का प्लान ले लिया है। अभी मैं निकलना स्टोर के लिए क्योंकि टाइम हो गया यार 10:30 हो रहा है यार, तो अभी मुझे निकलना पड़ेगा, तो मैं निकलना स्टोर के लिए। तो गाइस आज का दिन तो क्या बीत यार, पूरा का पूरा दिन बोर हो गया बिकॉज यार बाहर हो गए, रेनी सीजन था जिसकी वजह से बारिश होती रही दिन भर। और हमारा जो है, हम तो ठहरे सेल्स वाले और हमारी सेल गई डूब। तो गाइस इसलिए आज का दिन हमारे लिए तो पोपट वाला दिन हो गया और हमारा हो गया आज का पोपट, क्योंकि सेल तो हुई नहीं, दिन भर हो गया खाली बैठे बैठे बोर हो गए, काम निकला नहीं। तो गाइस अब हो गया हमारे घर जाने का टाइम और रात के बज गए हैं 9:40 जो कि हमारे घर जाने का टाइम है बिकॉज आज हमारा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि यार सेल हुई नहीं। अब सेल वाले बंदों की अगर सेल नहीं होगी तो फिर कैसा होगा, मज़ा नहीं आता फिर मतलब काम में। तो गाइस अभी हम निकलते हैं थोड़ी देर में घर को। गाइस इसी के साथ भगवान ने हमारी सुन ली और फाइनली हमारे लिए भेज दिया एक कस्टमर जो कि हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। तो गाइस अभी मैं इनको दिखाना चाहूँगा, ये फर्स्ट क्लास शूज इन्होंने चूज किया है और आपसे रिक्वेस्ट है सर आप हमारे मतलब लास्ट कस्टमर हैं तो कुछ कहेंगे, आपको कैसा लगा हमारा शूज? शूज बहुत अच्छा है बट डिस्काउंट ओनली आप फ्रेश अराइवल बता रहे हैं, ये तो कुछ तो डिस्काउंट करिए इसमें प्लीज सर। ये फ्रेश अराइवल है और इस पर कोई डिस्काउंट नहीं होता है एक्चुअली, अगर आप डिस्काउंट एक्चुअली मैं पहनता हूं तो हमारे पास 50% का ऑफ भी चल रहा है, तो आप वहां से बाय कर सकते हैं, बट दिस इज फ्रेश पीस। ओके बट मैं स्पार्क्स का ही शूज पहनता हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज, मैं स्पार्क्स का कंटिन्यू कस्टमर हूँ तो प्लीज मुझे कुछ तो दीजिए, 10% तो दीजिए प्लीज। सर हम आपके बर्ड्स की पूरी इज्जत करते हैं बट इस पे डिस्काउंट नहीं हो सकता, सॉरी प्लीज प्लीज सर। ये आपको पूरे मार्केट में आपको ऑन एमआरपी ही मिलने वाला, मैं समझ गया, कंपनी से बात करिए कुछ तो दीजिए आप प्लीज। तो गाइस फिलहाल हम इनकी ये पीस पूरी नहीं कर सकते बिकॉज फ्रेश राइवल्स पे कोई भी ब्रांड डिस्काउंट नहीं देता है। तो गाइस अभी मैं इनसे डील करता हूँ फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। फाइनली इन्होंने जो है शूज परचेज कर लिया है, मैं बता दूँ तो बहुत बहुत मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि हमारे लास्ट कस्टमर थे और इन्होंने हमसे शूज बाय किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट विजिट जरूर आप हमारे पास आइएगा। नहीं मैं तो आपका वेलकम है आपका हमारे स्टोर के अंदर। तो गाइस हमारे भी जाने का टाइम हो गया और सर को भी शायद लेट हो रहा है तो चलते हैं, मैं चलूंगा। तो गाइस फाइनली पहुंच गए घर, रस्ते में यार बरसात का इतना पानी भरा हुआ था यार, दिक्कत इतनी मतलब हो गई यार, पूरे के पूरे जूता पानी के अंदर घुस गया और सारा का सारा जूते में पानी। अभी फिलहाल बारी उतारती है मैंने और मॉर्निंग में जिम जाने के लिए, मॉर्निंग में यार जूतों की हो जाने वाली दिक्कत, बट मेरे पास अल्टरनेट रखा हुआ है, एक जोड़ी जूते मैं एक्स्ट्रा रखता हूँ, मॉर्निंग में बहुत पहन के चले जाएंगे। फिलहाल बच्चे सारे नीचे खेल रहे हैं और अभी थोड़ी देर में ऊपर आ जाएंगे, जब तक हम भी चेंज कर लेते हैं। फाइनली हमने कर लिया चेंज, आ गए कैफे और टी शर्ट में, आप किया जाए रिलैक्स, देखते हैं बच्चे कब तक आते हैं। तो गाइस ये बच्चा पार्टी हमारी आ चुकी है, एक छोटा आते ही शोर शराबा पूरा स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत तगड़ी फिल्म है हमारे घर की दोनों की दोनों। आज थी मस्त बनी थी दाल और चावल और रोटी, मस्त बहुत टेस्टी दाल बनी हुई थी जो कि हमने फिनिश कर ली है और साथ में हरी मिर्च, तो यार मज़ा आ गया आज खा करके। तो फाइनली गाइस हो गई रात, हमारे बच्चे अंदर जो है मस्ती कर रहे हैं और रात के बज रहे हैं 12:45 और वो कर रहे हैं वहाँ पर वीडियो प्ले करके अपने, देख रहे हैं टीवी, देख सकते हो इन दोनों के दोनों टीवी देखने में लग रहे हैं और रात के बज रहे हैं, देखो घड़ी में दिख रहा होगा आपको 12 और रात के 12 बजे ये दोनों के दोनों टीवी देख रहे हैं। बताओ एक कार्टून नेटवर्क के इतने शौकीन है कि रात के 12 बजे ने कोई लेना देना नहीं। अर्नब का एग्जाम कैसा गया है आज? फिलहाल इसका एग्जाम था तो ये बताएगा हम कि कैसा गया एग्जाम। छोटे भाई साहब पापा पापा फिलहाल हम अपने आपके भाई से बातचीत कर ले, कैसा गया उसका एग्जाम, आपका एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया, क्या क्या लिखा था आपने, काम करवाते क्या काम करवाते
ए ए आई ओ यू। ये क्या है? बबल्स। बबल्स होती हैं, आपको पता है, तो आपने लिख दी थी। तो गाइस फाइनली, और क्या लिखा आपने? तो गाइस इसकी बातों से मुझे लग रहा है इसने कुछ किया है फिलहाल, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुझे बता रहा है, बॉबल्स वगैरह सुनाई इसने, बीजी बैग वगैरह बताया, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि हाँ आई थिंक मेरे ख्याल से एग्ज़ाम ठीक गया होगा। तो फिलहाल ये हैप्पी भी है और मुझे लग नहीं रहा कि इन्हें ख़राब किया होगा। गाइस रात हो गई है, इस ब्लॉग का कर देते हैं दी एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सी यू।